इटावासा पर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव का बयान। किसान विरोधी डबल इंजन की सरकार है, आलू के साथ साथ गेहूं की फसल पर भी यही हाल होने वाला है। दिल्ली लखनऊ में बैठे लोगों को मालूम हो गया है कि किसान कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। विदेश में फसलें मंगाने में सरकार को अधिक लाभ होता है, कमीशन मिल जाता है। ये पार्टी किसानों की पार्टी नहीं है, दुर्भाग्य से सत्ता में है। किसान आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे, आज नहीं तो कल। प्रयागराज की घटना में असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं, दबाव है कि मारो, जो पकड़ो में आ जाएगा उसको मार देंगे। अतीक अहमद के पढ़ने वाले दो लड़कों को दो पहले ही दिन पकड़ ले गए, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी, आप देख लेना। संविधान जीवन देने का मौलिक अधिकार देता है, किसी का जीवन आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके से, अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। पुलिस पकड़ लेकर एनकाउंटर करे तो एक दंडनीय अपराध है, आज नहीं तो कल दूसरी व्यवस्था बनेगी। ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकार इन पर हत्या का मुकदमा कायम होगा। होली के त्योहार पर नेताजी की कमी सभी को खेलेगी, नेताजी ने ही होली पर फूलों की होली शुरू करवाई थी, अब जब भी कोई कार्यक्रम होंगे सभी को नेताजी की याद आएगी। आलू किसानों की बड़ी दुर्गति हो रही है, लोग लाइन लगाए खड़े हैं लेकिन उन्हें भाव नहीं मिल पा रहा है, यहाँ तक किसान अपना खेत भी जुतवा दे रहा है। देखिए, जब सरकारें और खासतौर से इसके लिए तो ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, जब दोनों इंजन किसान विरोधी हों तो किसानों के हित का कोई काम नहीं हो सकता है। अभी तो आलू की फसल है, कुछ दिनों बाद गेहूं और रबी की जितने भी और फसलें होंगी वो आने वाली हैं, उनमें भी यही हाल होने वाला है। क्योंकि अब दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए लोगों को ये मालूम पड़ गया है कि किसान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए ये बर्बाद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, गेहूँ और अन्य आलू पैदा न करें तो ये विदेश से मंगा लेंगे, इन्हें विदेश से मंगाने में और लाभ होता है, कमीशन का भी मिल जाता है, इसलिए इनका कोई इंटरेस्ट खेती में रहा ही नहीं। अच्छा, ये पार्टी ऐसी है जिसके जो कभी किसानों की पार्टी नहीं रही, दुर्भाग्य से सत्ता में है। क्या लगता है किसानों को फिर एक आंदोलन करना पड़ेगा जैसे पहले हुआ था? किसान आंदोलन करने को मजबूर हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। तो प्रयागराज में भी इनकाउंटर पे इनकाउंटर हो रहे हैं लेकिन जो असल आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, दो लड़कों को, पढ़ते पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है, किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो, कोई मारा जाए, मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं, इन पर हत्या का मुकदमा कायम होगा। ये पहले भी हुए, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए, जाँच में क्यों तो है। अतीक की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया, हाई कोर्ट गई, कोर्ट गई कि मेरे दो बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी, इनकाउंटर कर सकती। अब इनकाउंटर होगा तो फर्जी होगा ही। 24 को लेकर किस तरह तैयारी चल रही है गठबंधन को लेकर? वो हमारे अध्यक्ष जी से पूछे आए हुए हैं, हम लोग तैयार हैं, क्या तैयारी है ये आपको नहीं बताएं। अच्छा सर, होली भी कल है, नेताजी के बाद पहली होली पड़ रही है, किस तरह शुभकामना देना चाहेंगे देशवासियों? अब नेताजी की कमी तो सभी को खलेगी, आम आदमी से लेके आप पत्रकारों को जी। नेताजी ने यहाँ रंगों से दिक्कत कभी कभी होती थी तो फूलों की होली शुरू कराई थी, नेताजी ने ही कराई थी, और तो उनकी याद तो आएगी, आज नहीं हमेशा ही आएगी। जब होली खेलेगी, जब और कोई फंक्शन होंगे, जब कोई कार्यक्रम होंगे, तब नेताजी लोगों के दिमाग में रहेंगे। अब देखिए कल कैसे होली होती है, ये तो ऐसा है कि स्पॉन्टेनियस होता है, आदमी किस तरीके से काम करता है।